हेलो, कैसे हो भाई? तो आप सभी को स्वागत है जी एक नए वीडियो में। तो अगर आप सभी के लिए लास्ट वीडियो नहीं देखा तो अभी जाके देख लो। इस वीडियो को पार्ट 1, 2 और 3 पहले ही बन चुका है। तो लास्ट वीडियो में क्या हुआ आप सभी को पता ही होगा अगर आप लोगों ने देखा है। हमने इस मिलिट्री बेस के ऊपर आ चुके थे और हमने इधर जिन लोगों ने कब्जा करके रखा था उनको टपका दिया था। जैसे शायद थोड़े लोग बच गए, मैं उन्हीं को टपका रहा हूँ और ज़ॉम्बीज को भी बताने की जरूरत नहीं शायद। अब हमको भाई आज के वीडियो के लिए प्लान बहुत सिंपल है, ठीक है। आज के वीडियो को लेकर मैंने भाई एक स्पेशल प्लान बनाया है। वो प्लान क्या है अगर आप लोग सोच रहे हो तो वो है एक अंडर वाटर मतलब पानी के ऊपर एक आइलैंड मिलिट्री बेस, मतलब आइलैंड ही एक मिलिट्री बेस है भाई। आप सोच रहे होगे भाई एक आइलैंड से आइलैंड के जितना मिलिट्री बेस भाई, बहुत छोटा आइलैंड है यार। आप बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हुकूमत रखो, बहुत बेकार आइलैंड है। उससे अच्छा तो ये मिलिट्री बेस है, लेकिन उधर का टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। उस आइलैंड में बहुत अच्छे अच्छे वेपन से और जेट्स भी है भाई, जेट भी है तो भाई काम बहुत आसान होने वाला है। जैसे इस मिलिट्री बेस में हमने टैंक को खोजा था और हमने सर इससे आगे के मिलिट्री बेस में हमने सिर्फ प्लेन ही था भाई, और कुछ नहीं था भाई। और इधर टैंक है और भाई और एक वेपन भी है इधर पे जो मैं आपको दिखाऊंगा। इधर भाई कितने ज़ॉम्बी आएंगे भाई, ये ज़ॉम्बी को मार मार के तो मैं थक गया हूँ। इधर मैप है, ठीक है, जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, चिंता मत करिए। ये क्या है भाई, चलो इधर पे वेपन के पास चलते हैं। ज़ॉम्बीज कितने आ गए भाई, वेपन हमारा देख सकते हो भाई। इस गड्डी से हम मिसाइल फायर करते हैं, इससे डेडली वेपन कहाँ हो सकता है भाई। भाई अगर किसी के पास ये वेपन है, ये वेपन टैंक से भी अच्छा है भाई, हमें मुझे मेरे ऊपर विश्वास करिए भाई। एक बार में चार या पांच जब टैंक से फेंक ही करता है, लेकिन जब इधर प्लेन के ऊपर चलते है, पहले हमको इस प्लेन को कलर करना पड़ेगा कि कोई पहचान ना जाए या ऐसे रियल रीजन तो भूल देखने के लिए, लेकिन कोई नहीं है, कोई नहीं। टॉपिक चेंज, हमको प्लेन को कलर करना पड़ेगा कूल देखने के लिए। तो चलो यार, अब उसके बाद हमको नया मिलिट्री बेस को जाना है, मतलब पानी के ऊपर का आइलैंड, वो मिलिट्री बेस भाई। मुझे उधर का जेट चाहिए, और तो नहीं चाहिए, और तो ऐसे ऐसे नहीं होगे शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे रिपोर्ट के हिसाब से हमको उधर जेट प्लेन मिलने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता जेट प्लेन क्या है, उसको मैं सीक्रेट रख देता हूँ, या आप लोग गूगल सर्च कर सकते हो। अगर आप लोग स्पॉइलर नहीं चाहिए तो ली बैठो। ना दूर है भाई, या मैं भूल गया,
वैसे मैं भूला तो नहीं हूँ, शायद शायद सीधा ही जाना है और उसके बाद जब तक समुद्र जब तक ओशन नहीं आ जाता तब तक जाना है हमको। ओशन आने के बाद शायद में ही होगा वो, मुझे नहीं पता यार अच्छे से, मैं भूल चुका हूँ। उधर मैप में भी देख सकते हो, जो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा वो मैप कैसे काम करता है। अगर आप देखो वो मैप समझ में आ चुका है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, आप ग्रेट हो यार। तो सालों की मेहनत के बाद भाई हम आ चुके हैं उधर पे। अब प्लेन को कलर कर दो यार जल्दी से, क्या करे यार, रेड कलर करे क्या, रेड कलर कर लेता हूँ भाई मैं, मतलब फुल रेड नहीं करेंगे, टैटूज होएगा ना वैसे ही करेंगे, ठीक है। चिंता मत करो भाई, इस पेन को मैं बर्बाद नहीं करने वाला, इस पेन को पूरे तरीके से पेंट नहीं करें, बर्बाद भी नहीं करूँगा भाई। रेड कलर थोड़ा सा, थोड़ा हाँ भाई, इतू सा भाई, सिर्फ इतू सा कलर हम करने वाले हैं। हमको उधर जाना पड़ेगा, वो देख सकते हो उधर पे वो बॉक्स या जो भी बोल सकते हो, उसके बाद जाना है। चलो यार, मैंने आपको बोला था मैं सिर्फ और सिर्फ रेड थोड़ा करूँगा, लेकिन मुझे ये कलर और अच्छा लगा, ठीक है। और मतलब वाइट भी थोड़ा ऐड कर लिया और थोड़ा सा ब्लैक भी, ये भूल गया यार वो ब्लैक कलर था भी नहीं, मैं क्या वो ब्लैक कलर पहले से ही था, मैं भूल गया यार कोई नहीं। लेकिन भाई मैं थोड़ा सा कहा था, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही कर लिया शायद, लेकिन थोड़ा ही है यार। अब थोड़ा मैंने तो और कलर चेंज कर लिया है, तो देख सकते हो शायद ये कलर और अच्छा है भाई, मतलब मैंने कहा था शायद थोड़ा सा, मतलब आप मतलब भाई ओरिजिनल पहले वाला कलर तो इधर है ही नहीं, पहले वाला कलर ही नहीं है इधर, मैंने सभी पेंट कर लिया, माफ कर दीजिए, कोई नहीं। अब हमको उस आइलैंड की तरफ बढ़ना है यार जल्दी से, उस आइलैंड भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब हमें फाइनली जेट प्लेन मिलने वाला है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मतलब उस ट्रक या जो भी बोलो उसे मैंने मोस्टर किलिंग ट्रक या ऐसे कुछ दिया था, मोस्टर किलर दिया था शायद, तो मैं अच्छा सा नाम इसको भी दे देता हूँ भाई। भाई क्या हो रहा है, पेपर से बना है क्या ये ट्रेन भाई, उसके पंख में देखो भाई क्या हो रहा है, थोड़ा ऐसे ऐसा हो रहा है, पेपर से बना है क्या भाई, ऐसा है तो भाई एक अच्छा सा नाम मुझे मिल गया है। इस प्लेन का नाम होने वाला है ओरिगामी भाई, ओरिगामी, ठीक है कोई नहीं, नहीं नहीं ओरी पी जेड 09 ओ रिपी जेड 09 मैं नाम है इसका, मैंने रखा है। तो भाई हम इधर से अब क्या बोले यार, प्लेन तो गया तो हमने इधर से जंप कर लिया है, प्लेन तो गया, गुड बाय ओरी पी और जे 09 था उसमें नंबर, जो शायद ज़्यादा लोग को याद नहीं होगा, लोग समझ गए यार भाई। इधर अब अच्छे से देखते हैं क्या क्या है इधर पे, आप देख सकते हो ज़्यादा अच्छा तो कुछ भी नहीं है यार इधर,
मैंने आप लोगों को बोल दिया था यार पहले से, इतना बड़ा हाइप मत हो इसके लिए, ये बहुत बेकार है। एक्सपेक्टेशन भी मैंने नहीं किया था इस चीज़ से। मुझे सिर्फ अपना जेट प्लेन चाहिए भाई, वो किधर है? ओ कार बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा मेरा मोस्टर के लिए ट्रक है भाई। भाई किए जा रहे हैं, थोड़ा और जाना पड़ेगा तो इधर हेलीकॉप्टर्स भाई इधर देख सकते हो यार, एक बंदा मरा पड़ा है, कैसे पड़ा भाई? भाई तेरे उसी बंदे के बगल में था यार। क्या इधर जेट प्लेन है क्या भाई? इधर जेट प्लेन है यार, मैं श्योर था यार। और उधर है क्या? लेकिन मैंने इस प्लेस का किसी से चेक भी नहीं किया, तो और उधर ही होगा कोई नहीं। भाई वो तो हम आ गए, देख सकते हो टैंक्स और कार भी है, टैंक्स और कार भी है, क्यों है नहीं पता, लेकिन कोई नहीं। चलो भाई इधर एक हेलीकॉप्टर भी है, मैंने नोटिस ही नहीं किया था। भाई हेलीकॉप्टर ओपी भाई, बहुत अच्छा है भाई, मैं इसे सोच भी नहीं रहा हूँ कलर करने के। भाई ये कलर नहीं करना, कोई नहीं मैं भूल गया, लेकिन बहुत स्मॉल प्लेस है भाई इधर पे। ऊपर से देखने से लग रहा है क्या एरोप्लेन फिट भी होगा, मतलब उधर देखने से तो चलो फिट हो जाएगा भाई एरोप्लेन, ठीक है। एरोप्लेन थोड़ा स्मॉल है उस जगह के लिए ऐसा लगता है, लेकिन उस जगह में तो भाई बहुत स्मॉल है। ऊपर से देखने से भाई वो 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 उधर देखो यार, क्या हुआ हमारा ओरी पी गाइस, हमारा ओरी पी जिंदा है। चलो यार उसको रेस्क्यू करे क्या? वैसे ही अब रनिंग कर लेता हूँ मैं। भाई चलो यार इतनी खुशी, ज़ॉम्बी भाई कब आए ये? कुछ देर आ गया क्या ये? मुझे दिखे ही नहीं, ये इतने छोटे से मुझे दिखा ही नहीं है ट्रेन से। कोई नहीं है तो ओरिपी को लेके चलते हैं इधर से, ओरिपी को इधर छोड़े क्या? भाई चलो जल्दी से इधर, इधर पे हमको एक कैंप बनाना पड़ेगा। ये जगह पर हम अपना घर बनाने वाले हैं, आज हम इधर ही सोने वाले हैं और हमारा शेल्टर होने वाला है। बस हम होप करते हैं कि इधर से वो ज़ॉम्बीज ना आ जाए।
ये आने का कोशिश कर रहा है लेकिन बेचारा फेल हो जाएगा यार ये। भाई खौफ आ गई है। मैंने थोड़ा उधर उधर क्या देख लिया, ये तो आ गया। इधर भी थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा, उधर भी बंद, हर एक जगह पे मुझे ऐसे ही बंद करना है। भाई कितने ज़ॉम्बीज है यार इस दुनिया में। वर्ल्ड का पॉपुलेशन भाई क्या करे यार अब। GTA का वर्ल्ड का पीपल का पॉपुलेशन कितना होगा ये सोच रहा हूँ। मतलब GTA में इतना बड़ा तो नहीं है मैप, लेकिन उसमें टोटल बंदे कितने होंगे यार लोग, मुझे देख के लगता है भाई इस GTA वर्ल्ड में 1 बिलियन से ज्यादा ही है। कैसे नहीं पता मुझे। क्लीन वाटर, क्लीन वाटर नहीं है, क्लीन वाटर है ना। कैंप फायर लगा लेता हूँ मैं। अब मुझे थोड़ा वाटर बनाना है। ऑफ कोर्स मुझे वाटर बनाना पड़ेगा यार। वाटर खत्म होने वाला है। मैं आप लोगों को फर्स्ट कैंप जिधर है मैं आप लोगों को उधर लोकेशन दिखा रहा हूँ। उधर देख सकते हो थोड़ा सा, उधर ये देखो वो रहा है यार हमारा कैंप। ज़ॉम्बी है क्या है भाई? भाई क्या वो ज़ॉम्बी है क्या यार? ऐसे मुझे पता भी नहीं चलेगा भाई वो ज़ॉम्बी है या क्या है क्या यार। ऐसे कैंप फायर लगा लेता हूँ मैं। चलो इधर अब ज़ॉम्बी तो नहीं है ना। और ये हमारा शेल्टर है, एरोप्लेन है उधर पे, आप समझ लो एक हाउस बना लिया है हमने। तो ये वीडियो तो खत्म हो गया। अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।